अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तमाम बिरहमन डॉक्टर वासी तरफ सलाम हो गया जी। रोजाना तारा अज वता साहब तकलीफ दी है जी, एक जानवर की मर्ज के बारे या जानवर को साड़ू पाया वह या चंद्री भी कहें बात उस बारे अज साहब जरा पहचान तशखीस दस दिन तो इंशाल्लाह उम्मीद करें बिरहमन फायदा हो सी। तो बिरहमन रिक्वेस्ट है कि सारा चैनल सबसक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि सारी हर नवी आने वाली वीडियो बिरहमन तक पहुँचती रहे तो बिरह सारे दोस्त फायदा उठा सकें जी। अज साहब अस्सलाम वालेकुम जी, सारे भरावान अस्सलाम वालेकुम, देखण सुनण वालेयां नूं वालेकुम अस्सलाम। अगे भी असी कई नुस्खे दस बैठे हाँ तो इस वास्ते अज भी एक दो नुस्खे दसांगे जिन्हां दे बारे ये सारे भरा जरा गौर नाल ख्याल नाल सुन के तो उन्हां दा इस्तेमाल उस तरह सही करो दे ते इंशाल्लाह उन्हां दी फायदा होवेगा इंशाल्लाह। जितने अगे भी कीते ने इस वास्ते फोन नंबर भी है वो भी अगे दे दिते है तो किसी भरा जरूरत पै जाए ना याद आवे कि किस तरह नुस्खा देना ता भी जे ना फायदा आवे ता भी उसकी तस्दीक दस दे वह भी दसांगे जी इंशाल्लाह। ते आज तुहानू भरावां नू ये नुस्खा दसना है कि कई मझां गावां जिहड़ियां होंदियां ना वह सूण दे वक्त च आ के किसी नू साड़ू जां चंदरी पै जांदी है तो उन्होंने थण ने जिहड़े वो नाड़ पै जांदी है दुध नहीं देंदे चढ़ जाते हैं ज घट अगू रेह भी सही रेंगे दुध नहीं देंदे विच नाड़ पै जाती जी तो वह पासे उसका थण का दुध नहीं आता बंद तो अगू बंद हो जाता है। दूजा है कि उसको फर्क लग जाता है उत्तों ओड़ी विचों फर्क लग जाता जी। तो इस वास्ते वो तुहानू ये नुस्खा ये दसना पहलू कि दूसरे सूबे जिसे माई सून आई हो गां जी तो वह नुस्खा जरा दसा दे इलाज करो देना जी जी तो इंशाला ये ठीक हो जाएगा इंशाला। कई गाव मझा लाभ पूरा कर दया ने कोई धारा भी पादिया ने तो सिर्फ एक थण की बीमारी का इलाज नहीं होता तो इस वास्ते वो फिर थण फिर उस तरह रह जाता मारिया जाता थण नुकसान हाँ तो जी लहरी एक बार और पूरी करती है दुध भी करती है सिर्फ ये इलाज नहीं हों तो वो फिर जो थण मारिया जाता रह जाता है तो वह यही है कि वह जिस वे इस तरह हो ना तो मज जिसे ज गां जो सूण वाली हो ना अगले सूए तो जिस दिन वह महीना रह जाए ना सूण में ठीक है तो इस तरह करना है कि 2 किलो जोड़ा ना वो लून लै लेना शीशा लून वो लैके तो तंदूर रोटी जो पकाओ तो अग दे विच रख देना वो टुट भी जाए तो उन्होंने सुबह सवेरे चुन के तो कुट लेना दौरी कुट के तो बरीक छाननी भी छानद्या जाना कुटद्या जाना बरीक कर लेना वो 2 किलो दुध जो है लून हो ना उसनू 4 किलो दे दुध पा लेना तो उसनू कड़ाई च रख के तो अग ते रख लेना मठिया मठिया को बह के तो उन्होंने लाई रखना करछी ना पोला पोला आस्ते आस्ते वो जरा दुध खुश्क हो जाएगा तो लून रह जाएगा खोआ बन जाएगा ठीक है। उसनू जरा ना ये लून है ना जरा ये जिस दिन तुसी पहले दिन शुरू करना है ना ये हाथ के बिच जी मुठ्ठी आ जाए ना मुठ्ठी बिच पिनी पूरी जी उस पिनी के बिचों उस माए ने जी देनी भी है ना उस पिनी बिचों चौथा हिस्सा इतना बिचों कढ लेना वो गोली बना लेनी ठीक है हैं जी। वो गोली बना के ना तो उसनू करना है कि माए के जेडे थाने ने जे सज्जा थाने ना सज्जे पासे का थण जेड़ा अगला है ज पिछला है तो खब्बे कान के गोली सटनी है खब्बे सट के तो उसका कन्न जो करके सिंग ना बंद देना ठीक है। जे सज्जे पासे आवे तो खब्बे कन्न में सटनी ठीक है। ये याद रखना है कि भाई ये जिस तरह फार्मूला दसिया है इनू याद कर लेना है फिर लिख लीजिए फिर वक्ती तौर याद आ जाता है तो वो इस तरह बन देना है तो जिदे विच गोली और चौथा हिस्सा बनाना है ना वो उन्होंने उस दिन दे देना है शाम नूं हैं जी। अगू उसनू ना वो 2 किलो लून है ना जेड़ा वो रोज़ की हाथ जी मुठ्ठी आती है ये रोज़ की शाम नूं उन्हूं दे देनी है एक मुठ्ठी रोजाना एक मुठ्ठी रोजाना ठीक है शाम नूं दे देनी
ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਓ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਸੁਬਾਹ ਉਸ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੱਸ ਲਾਂਦੇ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਦੱਸ ਲਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਮੱਝ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦੀ ਸੂਣ ਦੇ। ਜੀ ਹੈਂਜੀ ਜੀ ਜੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਡੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 10-20 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 5-10 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇਰ ਲੂਣ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਜੀ ਪਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ 1.5 ਕਿਲੋ। ਹੈਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁੜ ਪਾਈਆ ਸੱਟ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 3-4 ਉਬਾਲੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਲੈਣੇ। ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆ ਘਿਓ ਸੱਟ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਸ ਤੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਮ ਗਰਮ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਗਰਮ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਸੂਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੈਂਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੂਪ ਹੋਵੇ ਦੀ ਜਿਸੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਏ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਮਾਈ ਕੋਈ ਲਹਿਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਪਾਈਆ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਦੂਜੀ ਮਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲੈਣਾ ਸੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਮਾਈ ਦੂਆ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੀ ਮਾਈ ਦਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਸੇ ਬੋਲਾ ਉਹਨੇ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਹੈਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਦਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਅੱਧ ਪਾਈਏ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੇ ਧਾਰਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਉਹ ਥਣ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਥਣ ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਲਾ। ਹੈਂਜੀ। ਥਣ ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਈਏ ਅੱਧ ਅੱਧ ਪਾਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਵਟ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੈਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਥਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੂ ਖਤਮ। ਪਿਛਲਾ ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਥਣ ਮਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਏ ਦੀ। ਜੇ ਧਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਧਾਰਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਏ।